आज उन्होंने पूरी मतलब स्थिति दिख रही है। और जब ठाकुर साहब का सेवानिवृत्ति का आयोजन चल रहा था तो संयोग से उस वक्त नेहरू जी आयोजन उपस्थित था, उनमें से कई जन उपस्थित होंगे और लगभग 30 जून की ही बात थी। तो ठाकुर साहब को उस वक्त पूछा गया था धार साहब कि सर अब आप क्या करेंगे, किसी विद्यार्थी ने पूछ लिया। तो ठाकुर साहब ने कहा था कि अब तक मैं लिखते लिखते लेखक बना, अब मैं लेखक बन के लिखूंगा। तो ये लिखते लिखते लेखक बनना और लेखक बनकर के लिखने का जो अंतर है इस पर आप जरूर फिर से बात करें। आपने मेरे गुरु जी को स्मरण किया तो मुझे भी बड़े होकर उत्तर देना चाहिए। ये बड़ा जटिल प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे गुरु डॉक्टर प्रकाश आतुर जी ने किस संदर्भ में ये बात कही होगी, लेकिन इस बात को मैं अपने स्तर पर कुछ इस तरह से व्याख्या करना चाहता हूँ कि जब तक मैं नौवीं था और मैं साहित्य का अध्यापक था तो बहुत सारे काम मैं साहित्य के प्रति अपने अनुराग और अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण करता था। साहित्यिक आलोचना भी उनमें से एक है, लेकिन नौकरी से मुक्त होने के बाद मुझे लगा कि मैं जैसे और भी बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो गया हूँ और अब मुझे जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। वो आशा भोसले का शायद आशा जी का ही पुराना गीत है, गीत कितने गा चुकी मैं इस सुखी जग के लिए, गीत एक गाने दो मुझे अब अपने लिए, इस तरह का कुछ एक। तो मुझे भी ये लगता है कि बहुत कुछ तो दूसरों की फरमाइश पर दूसरों की इच्छा पर कर लिया, अब भी करना होता है, करते भी हैं। कभी कोई कहता है कि ये लिख दीजिए, कभी आकाशवाणी या दूरदर्शन ने कह दीजिए कि आप ये कर लीजिए। बहुत सारा ऐसा काम नौकरी में रहते हुए किया है। मुझे अच्छी तरह से याद है 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्मान में डॉक्टर खाड़ा भी थे, हम लोगों ने सिरोही कॉलेज में गोष्ठी की थी, कलेक्टर साहब का आदेश था, प्रिंसिपल साहब ने आदेश दे दिया और स्टाफ रूम में आप 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए गोष्ठी कर, ऐसे बहुत सारे काम। और आज भी जब किसी मित्र की किताब का लोकार्पण होता है तो वो भी लगभग उसी तरह का मामला होता है, वो सब भी होता है। लेकिन कुल अब मैं जीवन में जहाँ आ गया हूँ वहाँ ये लगता है कि जो अच्छा लगे वो करो। तो अब अगर मैं लिखता हूँ तो वो पूरी तरह शांत सुखाए लिखता हूँ, किसी की फरमाइश पर नहीं और किसी के इशारों पर नहीं और किसी को खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि अब लगता है जीवन में ऐसा कुछ पाना शेष नहीं है, जो कुछ मिल गया वो बहुत है। तो अब वो लिखना एक पूरी तरह शांत सुखाए और मुक्त होकर लिखना है, मैं सोचता हूँ ये उत्तर मेरा इस बात। बहुत बहुत धन्यवाद कला साहब। अब इस सृजन संवाद की कड़ी में हम अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं अग्रवाल साहब से अब ये जानना चाहूँगा, बहुत बातें आपने की, 1945 में आप जन्मे और उदयपुर साहब का आत्मीय नाता रहा, स्कूली शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा और फिर यहाँ से पीएचडी।